नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज रिपोर्ट पर और मैं हूँ आपके साथ रितिका। गर्मियों की शुरुआत होते ही मच्छर पैदा होने लगते हैं। बारिश का सीजन आते ही मच्छरों की तादाद और बढ़ जाती है। इंसान और जानवरों का खून पीकर जिंदा रहने वाले मच्छर कई तरह की खतरनाक बीमारियां भी देते हैं। मलेरिया के अलावा खतरनाक मानी जाने वाली डेंगू और चिकनगुनिया की बीमारी इन्हीं मच्छरों की वजह से होती है। अब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की लैब ने डेंगू और चिकनगुनिया को देश से पूरी तरह से मिटाने के लिए नई खोज की है। ICMR की पुदुचेरी स्थित VCRC लैब ने जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर ऐसी नई प्रजाति के मच्छर तैयार किए हैं जो कि डेंगू और चिकनगुनिया की बीमारी से भारत को मुक्त कर देंगे। VCRC लैब के निर्देशक डॉक्टर अश्विनी कुमार ने बताया कि लैब में जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए ऐसे मादा मच्छर तैयार किए गए हैं जिन्हें अगर शहर में छोड़ा जाए तो ये मादा मच्छर डेंगू और चिकनगुनिया फैलाने वाले एडीज एजेप्टी मर्द मच्छरों से सहयोग कर ऐसे मच्छर पैदा करेंगे जिनमें डेंगू और चिकनगुनिया के वायरस कभी नहीं आएंगे। डॉक्टर कुमार ने बताया कि मादा मच्छरों के अलावा लैब ने उनके अंडे भी पैदा कराए हैं। ये मच्छर और अंडे शहर में छोड़े जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस बारे में करीब 4 साल से लैब में शोध हो रहा है। हाल ही में बिना डेंगू और चिकनगुनिया के वायरस वाले मच्छर और उनके अंडे पैदा करने में हमें सफलता मिली है। अश्विनी कुमार ने ये भी बताया कि अभी इस बारे में सरकार से मंजूरी लेनी है, इसके लिए प्रक्रिया चल रही है। उम्मीद है कि अगली बरसाती सीजन में डेंगू और चिकनगुनिया को भारत से मिटाने के लिए इस अनोखे तरीके का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर इसे सरकार से मंजूरी मिल जाती है तो देश से पूरी तरह से डेंगू और चिकनगुनिया की बीमारी से खत्म करने के लिए ये एक बड़ा और अहम कदम होगा। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। आगे भी ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज रूम पोस्ट।